हाँ चलिए देखिए, कल हेलो कल बताए थे स्ट्रेंथ था बट वेल्ड वहाँ तक पहुँच गए थे ना, और दो दिन में आपका एक खत्म हो जाएगा वेल्ड खत्म, उसके बाद टेंशन मेंबर, उसका हर चैप्टर में एक एक हफ्ता लगेगा, टेंशन मेंबर एक हफ्ता, कंप्रेशन मेंबर एक हफ्ता, स्टील बीम एक हफ्ता, और उसके बाद चार यानी एक महीना कोर्स और बचा है इस चैप्टर के बाद। सब थियोरी न्यूमेरिकल है, थियोरी मिक्स है, अप्रैल मई, हाँ मई तक खत्म हो जाएगा, मई लास्ट मई खत्म हो जाएगा। एग्जाम से पहले तो क्यों नहीं खत्म होगा, ज्यादा दिन पहले एग्जाम में वेटेज किसका होता है, मेरे को ज्यादा कि 50-50 इसमें 50-50 आता है। ए सातवां नंबर देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, सातवां बोल रहे तो नहीं समझ आ रहा है, 7 नंबर देखिए भाई, कह रहा है कि दो चपटी पत्तियां 120, ओहो अभी ज्यादा ध्यान दीजिए, ए फटक दादा कान, बुक क्या हुआ कर आपका, अरे बुक नहीं लेना है क्या आपसे, नहीं कर रहे हैं पीछे वाले सुशील आपसे नहीं कर रहे हैं आपका आएगा हम, ए बुक नहीं लेना है आगे वाले तीन लोग, PDF मेरे लिए, अरे हम इस्टीमेट का बोल रहे हैं, किसका बोल रहे हैं कि नहीं खरीदेंगे तभी काम चल जाएगा, काम चलने की बात होती है, हम क्यों रोज न्यूमेरिकल इश्यूज लगाते हैं, हम कह देंगे बुक ही मत लीजिए। लिखिए ए जाइए चल जाइए, आठवां देखिए, नहीं सातवां कह रहा है कि दो चपटी पत्तियाँ 120×8 में बट वेल्ड द्वारा जुड़ी हैं, यदि अनुगेत तनन प्रतिबल 142 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है तो निम्न स्थितियों में वेल्ड की सामर्थ्य ज्ञात करिए। अभी दो दिन इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ दिए ना, थोड़ा इंग्लिश वाला टोन आ गया। देखिए पहला कह रहा है यदि फिलर मटेरियल पूरी गहराई तक भरा हो, यदि फिलर मटेरियल पूरी गहराई तक न भरा हो, तो सातवां का पहला देखिए, सातवां का पहला यदि पूरी गहराई तक भरा हो तो क्या करेंगे, हाँ यदि पूरी गहराई तक भरा है तो बताइएगा जो कंठ मोटाई होता है वो उसके मोटाई के बराबर हो जाएगा, दो प्लेटें हैं ना 120×8 mm की, चौड़ाइयाँ कितनी है भाई 120×8 mm, देखिए यही है चौड़ाई कितना है 120 mm, और मोटाई कितना है देखिए हम मोटाई का बना दे रहे हैं, मोटाई बना दे रहे हैं भाई पूरा गहराई तक भरा हुआ है 8 mm, तो बताइएगा, और दिया है ना 120×8 mm बट वेल्ड 120 वही होगा वैसे ही होता है, अब समझिएगा B×D होता है या B×T, अब स्ट्रेंथ निकालेंगे डायरेक्ट, स्ट्रेंथ निकालने के लिए फार्मूला क्या है TL×FT दिया हुआ कि नहीं, 142 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, तो T का मान कितना है 8, L का मान 120, FT का मान 142, कितना आ रहा है 136 किलो न्यूटन हो गया। अब देखिएगा दूसरा निकालेंगे, दूसरा उसका निकालेंगे, यदि फिलर मटेरियल पूरी गहराई तक न भर जाए तो टी क्या होता है 5×8 × प्लेट की मोटाई होता है कि नहीं होता है, इसमें थिनर नहीं है ना तो दोनों कोई ले लेंगे ठीक है, तो 5 mm आ जाएगा, अब इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा एल, हाँ एल टी एफ टी, एल मतलब 120, टी मतलब 5 और 142 85.2 कैलकुलेट करते रहिएगा ठीक है, किलो न्यूटन बस हो गया। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए आप, आठवां देख लीजिए क्या कह रहा है, देख रहे हैं क्वेश्चन में कोई दम है कोई दम अरे मतलब कोई दम नहीं है इसका कहने का मतलब हम लोग गलत सोच रहे थे कह रहा है कि दो प्लेट 140×20 mm तथा 140×14 mm डबल वी वेल्ड द्वारा वी बट वेल्ड द्वारा जुड़ी है, अनुगेत तनन प्रतिबल 142 न्यूटन प्रति mm हो तो जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करिए। अरे महारानी क्यों नोट कर रही हैं, ओए इधर ध्यान दीजिए नोट करने में लगे, देखिए दो प्लेट हैं, प्लेट की चौड़ाई कितना है, प्लेट की चौड़ाइयाँ कितना है बताइए भाई 140, हाँ नहीं मोटाई कम है, अरे मोटाई एक का मोटाई इतना है और दूसरे की मोटाई थोड़ा सा कम है, तो पहले की मोटाई कितना है 20 mm, पहले का 20 और दूसरे का 14 mm, करें कि डबल भी बना दें इसमें, डबल भी बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत है बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे
अब गहराई तक जाएगा, लेकिन क्या मोटा प्लेट लेंगे? नहीं, पतला वाला उतना ही तो जा पाएगा। तो बताइएगा टी बराबर क्या हो जाएगा? 14 mm। टी बराबर कितना हो जाएगा? 14 mm। एल का मान भाई लंबाई तो पूरा मिलेगा, वेल्ड लंबाई कितना हो जाएगा आपका? 140। एफ टी का मान दिया होगा कि नहीं दिया है? 142 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो बताइए स्ट्रेंथ कितना? आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, कुछ है क्वेश्चन में? एल टी एफ टी, एल का मान 140, टी का मान 14, एफ टी का मान 142, कितना आ रहा है? 278000 न्यूटन, यानी लिख देंगे 278 किलो न्यूटन। नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। कोई पानी अजी वाला एक हाँ देखिए तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन है। हाँ कह रहा है, पढ़े ना, कह रहा है 125×75×8 mm कोणीय खंड तनन उपांग के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी लंबी टांग घसेट प्लेट के साथ 65.6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जुड़ी है। यदि इस खंड पर 160 किलो न्यूटन अक्षीय बल आ रहा हो तो फिलेट वेल्ड की उपयुक्त लंबाइयां ज्ञात करिए। अपरूपण प्रतिबल 110 दिया है और तामझाम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है ना, एक कोणीय खंड है, कैसा कोणीय खंड है? 125×75×8 mm अब घसेट प्लेट के साथ जुड़ा है। हम एक फिगर बनाएंगे तो और आप लोगों से पूछेंगे क्या ये फिगर समझ आ रहा है, आप कहेंगे नहीं, तब फिर हम इसको अच्छे से समझाएंगे। यदि आप कह देंगे हाँ फिगर अच्छे से समझ आ रहा है, तब फिर हम अच्छे से इसको नहीं समझाएंगे। ये फिगर समझ आ रहा है क्या? अरे तो हमको लेना पड़ेगा, दीजिए बुक, दीजिए छोटा वाला बुक, छोटा वाला दीजिए, नहीं है छोटा वाला बुक, दीजिए तो हमसे छोटा वाला बुक दे। देखिए एक रहने दीजिए, देखिए एक क्या हो गया आपका कोणीय खंड हो गया कितने का? 125×75×8 mm। ओए एक कोणीय खंड हो गया कितने का? 125×75×8 mm, यानी इसकी एक वाली लंबाई कितनी है? 125 और दूसरा 75, एकदम पीछे से। ये दोनों कहाँ कहाँ से? एकदम पीछे से 125, यानी एकदम नीचे से 125, एकदम किनारे से 175 जो भी है, यानी असंभुजीय कोणीय खंड है। इसकी मोटाइयाँ कितना है भाई? इसकी मोटाई कितनी है? रुक जी, नहीं कुछ हम हाँ देखिए तो मोटाई कितना है? 8 mm कह रहा है घसेट प्लेट के साथ जुड़ा है। देखिए इस बोर्ड को क्या मान ले रहे हैं हम लोग? घसेट प्लेट जोड़ दें, ऐसे ही जोड़े हैं। अब ये साइड से देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा कि नहीं? साइड से देखेंगे तो ऐसा हो गया, समझ आ गया। अब ये वेल्ड कहाँ होगा? एक ऊपर वेल्ड होगा और एक कहाँ वेल्ड होगा? नीचे वेल्ड कर दें, करें वेल्ड हाँ, साइड से नहीं करना है ना, इसकी लंबाइयाँ बहुत होती है ना। तो कहाँ वेल्ड होगा? देखिए यहाँ वेल्ड होगा, और कहाँ वेल्ड होगा भाई? यहाँ वेल्ड होगा, हो गया वेल्ड। अरे मैं लाल बीच में कहाँ होगा, छेद के वेल्ड करेंगे। लंबाई में यहाँ एक वेल्ड होगा लंबा, और एक वेल्ड कहाँ होगा? यहाँ होगा लंबा, यही वेल्ड होगा, यही ना लोड को लेगा। अब इस पर देखिए, अब इस पर जब लोड लगाएंगे तो यहाँ का वेल्ड का लोड लेगा और कौन लोड लेगा? यही दोनों लोड लेंगे सब। कितने का लोड लगा हुआ है? कितने का लोड लगा हुआ है? 160 किलो न्यूटन का अक्षीय बल आ रहा है, एक्सियल लोड आ रहा है। कितने का? 160 किलो न्यूटन का। बताइएगा जब हम आपको पढ़ाए थे तो इसका दो अक्ष मिलेगा कि नहीं? एक मिलेगा वाई वाई एक्स, क्या मिलेगा? वाई वाई एक्सिस, और क्या मिलेगा आपको? एक्स एक्स। देखिएगा एकदम पीछे से ना, ये वाला दूरी को हम लोग कहते हैं सी एक्स एक्स, एकदम मतलब ऊपर से यहाँ से क्या कहते हैं? सी एक्स एक्स। नहीं सिमेट्रिकल कैसे रहेगा? हम ये सब चीज़ें अब गैप किए हुए हैं। एंगल ना एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल होता है, ना ही वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होता है। एंगल में एक लेंस होता है, एक वेव होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सबसे पीछे से ए वाला दूरी होता है सी वाई वाई, दो दूरी मिला। वाई वाई की तरफ को कहते हैं सी वाई वाई, एक्स की तरफ को कहते हैं सी एक्स एक्स।
ये जब पढ़ाए थे टाइप ऑफ सेक्शन तब का है बताए हुए हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सेक्शन में का। अब बताइएगा, कह रहा है इसका एक्सिस पे एकदम लोड कार कर रहा है, कह रहा है ना एक्सियल लोड कार कर रहा है, कितने का काम कर रहा है, एफ इजकल टू 160 किलो न्यूटन, एकदम अक्ष पे काम कर दिया। अब कहेंगे अक्ष दिख क्यों नहीं रहा है, मेरे भाई जब ऐसा कापी था तो एकदम एक्सिस पे काम किया हुआ है, कितने का 160 किलो न्यूटन का। ये जिसका हम लाइन डायग्राम बनाएंगे तो लाइन डायग्राम कैसे बनेगा समझिए, ऐसा बनेगा, देखिएगा 160 किलो न्यूटन का लोड लगा, F इजकल टू 160, और इसको वहन कौन करेगा, इसको कौन वहन करेगा भाई, F1 वहन करेगा, और कौन वहन करेगा, F2 वहन करेगा, वही तो ऊपर वाला बेल्ट नीचे वाला बेल्ट वहन करेंगे सब लोड को, लाइन डायग्राम हो गया। क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है कि लंबी टांग जुड़ी हुई है, और सीधे क्वेश्चन में कहा है लंबी टांग यानी 125 वाली टांग जुड़ी हुई है, लंबी टांग बोला है ना भाई, हाँ 125, चलिए हम बुक को ले ही ले रहे हैं, नहीं तो बार बार नीचे देखना पड़ रहा है, ऑनलाइन में वाले सोचेंगे कि न्यूमेरिकल नकल कर रहे हैं, हो जाएगा कितना भाई 125 mm वाले, यही तो जाएगा, यही तो जुड़ा हुआ लंबी टांग। अब बताइए ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, सी एक्स एक्स, देखिए दिया हुआ है सी एक्स एक्स के मान, लास्ट में दिया है सी एक्स एक्स 4.15 दिया है, लेकिन अनुभवी टीचर से पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, उसको 41.5 कर लीजिएगा, दसमलव को पहले खिसका दिया, तो कितना हो जाएगा आपका 41.5, क्योंकि भाई 4 पॉइंट तो नज़दीक ही हो जाएगा ना, ऐसे 125 है कि नहीं, और वहीं 4 नज़दीक नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 41.5 हो जाएगा, समझ आ रहा है। चलिए इसको ना हम डिवाइड मतलब कि नेमिंग कर रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं ए, इसे मान ले रहे हैं सी, इसे मान ले रहे हैं बी, तो लिखेंगे मोमेंट एट पॉइंट, मोमेंट एट पॉइंट ए, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि ए कितना लोड ले रहा है और ए कितना लोड ले रहा है, एफ वन कितना लेगा, एफ टू कितना लेगा, ठीक है, तो ए बिंदु ए पर घूम लेंगे तो देखेंगे, लिखेंगे एफ वन गुणे 125 इजकल टू ए कितना हो जाएगा, देख कर हमको बता दीजिए, 125 में घटा 41.5, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है ना, 53.83, गुस्सा बोलते हैं भाई आप लोग, आप लोग गलत कहीं बोलते हैं तो हम कुछ बोलते हैं, 83.5 है, हो जाएगा। तो देखिएगा एफ वन गुणे 125 इजकल टू एफ, एफ गुणे ए इधर मुड़ेगा ना, ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, एफ गुणे 83.5, ये देखिए तो समझ आया, ओए एक क्लाक वाइज एक एंटी क्लाक वाइज, देखिए ए एंटी क्लाक वाइज है एफ वन, और ये कैसा घूमेगा आपका क्लाक वाइज, है ना, ए इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, दोनों को बराबर कर दिए हैं, और देखिए एफ तो जीरो हो जाएगा उसी पर बिंदु पर जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो इसको छोड़ दिए, डायरेक्ट कर दिए, देखिए ए मोमेंट ले रहे हैं ए बिंदु पर, सॉरी ए बिंदु पर नहीं जी, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर क्या ले रहे हैं हम लोग, अघूर्ण ले रहे हैं, तो देखिए ए कैसे मुड़ेगा, ए कैसे घूमेगा एंटी क्लाक वाइज, और ए ए ए कैसे घूमेगा, इसके ऊपर तो घुमाएंगे तो कैसे घूमेगा आपका क्लाक वाइज, तो एंटी क्लाक वाइज मूवमेंट इजकल टू क्लाक वाइज मूवमेंट, तो एंटी क्लाक वाइज कितना है, देखिए एंटी क्लाक वाइज एफ वन गुणे बीच की दूरी, बल गुणे बीच की दूरी 125, और ये कितना हो गया एफ गुणे बीच की दूरी 83.5, एफ टू भी ऐसे, एफ टू भी ऐसे ही घूमेगा, यहाँ लिखेंगे एफ टू प्लस, इसके बीच की दूरी जीरो है ना, वर्टिकल डिस्टेंस जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए एफ टू को छोड़ दिए हैं। अब देखिए अब कितना आ रहा है समझे, मूवमेंट क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि ए वन क्योंकि क्योंकि एफ यही ना है, यही तो एफ है, अभी इसी क्वेश्चन में फंस गए, इतना इजी क्वेश्चन है, तो एफ गुणे बीच की दूरी कितनी है 83.5, हमको एफ वन एफ टू निकालना है, तो मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट में एफ आता है और दून, तो देखिएगा एफ वन का मान कितना आ जाएगा, एफ वन गुणे 125 इजकल टू एफ का मान कितना है 160 गुणे 83.5, एफ देखिए एफ वन देखिए कितना आ रहा है, समझ रहे हैं विपुल, 106.88 किलो न्यूटन, ठीक है, वो 160 किलो न्यूटन में ही है इसलिए किलो न्यूटन में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा फिर आप जानते हैं कि फिर आप क्या जानते हैं, फिगर बनाइएगा उसके बाद ये लिखिएगा, पहले फिगर बना के लिखिए उसके बाद लिखिएगा, इधर
हम जानते हैं कि एफ वन प्लस एफ टू इजकल टू कितना है, एफ है कि नहीं है, इधर का बल इधर का बल का बराबर है ना। तो एफ वन का मान मिला आपको क्या मिला भाई, 106.88 प्लस एफ टू चाहिए और एफ का मान 160, तो एफ टू निकाल लीजिए। किलो न्यूटन। अब बताइए एफ वन कितना, देखिए खुद सोचिए ना, यदि हम ऊपर से दबाएं तो लोड कौन सा लेगा, ऊपर वाला ही ज़्यादा लेगा कि नहीं लेगा, है कि नहीं, ऊपर वाला बेल्ट ज़्यादा लोड लेगा है ना। तो एफ वन का मान 106, इसीलिए ये ज़्यादा लोड ले रहा है 106, और ये कितना ले रहा है 53.12। अब हमको देखना, अरे भाई नहीं भाई चिट्ठी आते संदेश आते हैं हाँ। अब देखिएगा, अब हमको निकालना है कितना लगेगा वेल्ड की लंबाई, तो लिखेंगे एफ वन इजकल टू स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। अभी देखिएगा कितना आसानी समझ आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, क्योंकि फिलेट वेल्ड है ना एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। तो एफ वन का मान कितना है, 106.88 × 10³ इजकल टू के एस एल एफ एस, होता है कि नहीं होता है, 106.88 × 10³ इजकल टू, भाई जितना बल लग रहा है उतना ही तो सामर्थ्य का हम बेल्ड करना चाहेंगे। इधर देखिए बाद में कैलकुलेट करिएगा तो समझिए कंसेप्ट, जितना बल लग रहा है हम चाहेंगे कि बेल्ड का सामर्थ्य उतना ही हो, तभी तो उस फोर्स को रोकेगा। तो जितना बल लगा उसी के बराबर बेल्ड का सामर्थ्य रख दिए, है कि नहीं आसान समझने में, है ना। तो लिख सकते हैं आप फार दयानंद जी, के का मान 0.7, एस का मान क्या, एस आपको दिया है क्या, एस आपको दिया है देख लेते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.5, एस का मान दिया हुआ है 6.5 mm दिया हुआ, ठीक है तो लिख देंगे 6.5। मेरे भाई यही तो यार निकालना है, और एफ एस का मान 110 दिया ही हुआ है कि नहीं, है कि नहीं भाई, अभी पिटाएंगे हो जाएंगे 125 को, मेरे लाल कैसे फेल हो जाए भाई। जितना वो लोड ले रहा है, जितना उस पर बल लग रहा है उतने ही बराबर सामर्थ्य है, उससे अधिक लोड लगेगा तब वो फेल होगा, है कि नहीं है, उससे अधिक लोड लगेगा तब वो फेल होगा, समझ रहे हैं। तो एफ एस का मान 110 ही है ना, एफ एस का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो L का मान कितना, L1 इजकल टू कितना हो गया 213.5, तो L1 इजकल टू लिख देंगे 214 mm, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी तरह F2 इजकल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, तो F2 का मान कितना है 53.12 × 10³ इजकल टू के एस एल एफ एस, यहाँ एल वन कर दे रहे हैं हम भाई, यहाँ एल टू कर दे रहे हैं। अब 53.12 × 10³ इजकल टू के का मान 0.7, एस का मान 6.5, एल टू हमको चाहिए, एफ एस का मान 110, तो एल टू देख लीजिए 0.1 mm, यानी एल टू कितना आ जाएगा आपका 107 mm। अब बताइएगा जहाँ फोर्स अधिक लग रहा था उसका वेल्ड का लंबाई अधिक करना है हमको, है कि नहीं है 214, जहाँ फोर्स कम लग रहा है वहाँ वेल्ड की लंबाई कम करनी है, वहाँ 53 लग रहा था उससे दुगुना लग रहा है वो 106, 53 से दुगुना लग रहा है, तो देखिए वेल्ड भी दुगुना जा रहा है। कंठ मोटाई याद करेंगे ना, कंठ मोटाई इसमें कहाँ से आ गया, मारेंगे से करेंगे हाँ, वो तो पहले से दे दिया लंबाई बस पूछा, वो तो एस का नहीं, हमको लंबाई निकालना है, वो तो सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कंठ मोटाई बढ़ा देंगे, लेकिन हमको सामर्थ्य, हमको पूछ रहा है कितना लंबा वेल्ड करेंगे, वो कंठ मोटाई वगैरह दे दिया, कह रहा है कि 6.5 ही एमएम मोटा वेल्ड होना चाहिए, समझ रहे हैं, इसमें वो सब दे दिया है, बस आपको निकालना है कि कितना लंबा करना है, समझ आ रहा है, आ रहा है ना, नोट कर लीजिए।
ए समझिए ओए 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 समझते हैं। कितना टाइम हुआ बता दीजिए। ओए कितना टाइम हुआ? देखिए इसका 3D बना रहे हैं हम, ठीक है। 3D मतलब कौन है, इसका फ्रंट भी बना रहे हैं, इस ये तो साइड भी बना। नहीं समझ आ रहा है कितना बिल्डिंग होगा। देखिए ये हो गया आपका घर। अरे यार चल नहीं रहा। ए समझिए भाई, जब इसको सामने देखेंगे तो एक ऐसा दिखाई देगा, एंगल कैसे दिखाई देगा, ऐसा ही तो दिखाई देगा सामने देखेंगे तब। अरे मेरे भाई ऐसा ही है ना, तो देखिए ऊपर मोटाई दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा सामने देखेंगे इधर से, और इधर क्या दिखाई देगा, एक घसेट प्लेट होता है सब सब दिखाना। अरे तुम उड़ जाएगा मेरा बुक ना। दीजिए 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 दीजिए। ये देखिए घसेट प्लेट है ना, अब देखिए घसेट प्लेट एकदम पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, और देखिए ऐसा नहीं दिखाई दिया एक घसेट प्लेट एंगल ओ घसेट ओ घसेट। देखिए ऐसा दिखाई दे दिया कि नहीं, ऐसे सामने देख रहे हैं आप, ठीक है। अब कितना बिल्डिंग होगा, तो एक देखिए यहाँ बिल्डिंग होगा कितना। अरे यार ये क्यों बार बार निकल जा रहा है। यहाँ क्या कितना बिल्डिंग होगा, 214 mm है कि नहीं है, और यहाँ कितना बिल्डिंग होगा, बस 107 mm। समझ आ गया, हुआ कि नहीं। बिल्डिंग बना लीजिए, इसको नीचे बना लीजिए, कोई ज़रूरी एक साथ ही में बनाना, नीचे बना दीजिए।